हेलो दोस्तों, क्रिकेट अपना में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मुंबई ने तमिलनाडु को एक पारी से पराजित करते हुए रिकॉर्ड 48वीं बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इससे पहले वो 41 बार रणजी ट्रॉफी के चैंपियन रह चुके हैं। इस मैच में मुंबई की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, टॉस हार गए वो, लेकिन तमिलनाडु ने खुद पहले बैटिंग करने का फैसला किया और वो फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि वो पहली पारी में तमिलनाडु 150 का स्कोर भी नहीं कर पाई। जवाब में मुंबई की भी हालात अच्छी नहीं थी। एक समय उनके 7 विकेट 100 रन के आसपास गिर गए थे, लेकिन कहते हैं चैंपियन तो चैंपियन होते हैं और मुंबई क्रिकेट चैंपियन खिलाड़ियों से बनती है, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। इस मैच में उनके नैया को पार लगाया टेस्ट स्टार शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने 9वें नंबर पर आते हुए शानदार शतक लगाया और दिखाया कि क्यों वो किसी भी टीम में के लिए ज़रूरी है, चाहे वो टीम इंडिया हो या मुंबई की टीम हो। शार्दुल ठाकुर के का अच्छा साथ तनुष कोटियन ने निभाया। उन्होंने भी पिछले मैच की तरफ में शतक जड़ा था और इस मैच में भी जब मुंबई को सबसे ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी, 88 रनों की पारी खेली और आखिरी में नाबाद रहे। तुषार देशपांडे ने भी पिछले मैच में शतक बनाया था, इस मैच में भी उन्होंने काफ़ी उपयोगी योगदान दिया और साथ में मुसीर खान ने अर्धशतक लगाया। एक बार जब बढ़त 200 के पार चली गई तो मुंबई का इस मैच में पकड़ पूरी तरह से मजबूत हो गई थी, लेकिन तमिलनाडु से संघर्ष की उम्मीद थी, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। उनके पास नारायण जगदीशन है, जो रणजी ट्रॉफी के इस सत्र में इस मैच से पहले 800 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। इसके अलावा उनके पास बाबा इंद्रजीत, विजय शंकर, वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी मौजूद थे और साई सुदर्शन काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे पिछले साल और इंडिया के लिए डेब्यू भी किया। तो ये लग रहा था कि तमिलनाडु की टीम आसानी से हार नहीं मानेगी और मुंबई को एक कड़ी चुनौती पेश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना को मुंबई के गेंदबाजों ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करी और तमिलनाडु को एक छोटे से स्कोर पे आउट करके मुंबई को एक पारी से जीत दिला दी। इस तरह से मुंबई 48वीं बार फाइनल में खेलेगा और उनका अपोनेंट मध्य प्रदेश और विदर्भा की टीमों में से कोई एक होगा। दूसरा मैच सेमीफाइनल काफ़ी रोचक स्थिति में है। एमपी की टीम के सामने चौथी पारी में 321 रन बनाने का लक्ष्य है, जो चौथे दिन के लंच तक उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं और मध्य प्रदेश की टीम करिश्माई कोच चंद्रकांत पंडित की अगुवाई में काफ़ी अच्छा कर रही है। वही चंद्रकांत पंडित की कोचिंग में रणजी ट्रॉफी चैंपियन रह चुके हैं और देखना है कि वो फाइनल में जगह बना पाते हैं या नहीं। फाइनल निश्चित रूप से काफ़ी रोचक होने वाला है। विदर्भ की टीम भी काफ़ी अच्छी है और तमिल और मध्य प्रदेश की टीम तो है ही, दोनों में से कोई भी आएगा तो मुकाबला अच्छा होने वाला है। मुंबई के लिए सबसे अच्छी बात फाइनल वो अपने होम ग्राउंड विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में खेलेंगे, जो उनका एक मजबूत किला रहा है, जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल रहता है। हालांकि इस बार शुरुआती दौर में यूपी की टीम से वो यहाँ पे मैच हार गए थे, उसके बाद मुंबई ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई।